Hello students, welcome to Vidyan Pathshala. This is Jasmine and in this video I will talk about career options for commerce students. इस वीडियो क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर 12th के बाद आप किस किस कोर्स में अपना एडमिशन कर सकते हैं, क्योंकि 10 या 12 8 या 10 के बाद जो होता है ना कि साइंस या आर्ट्स का थोड़ा बहुत तो कन्फर्म रहते हैं लोग कि मुझे मैथ पसंद नहीं है तो मैं आर्ट्स लूँगी और मुझे साइंस अच्छा लगता है तो मैं साइंस लेके पढ़ूंगी। लेकिन कॉमर्स को लेके एक कन्फ्यूजन हमेशा रह जाता है स्टूडेंट्स के बीच, पेरेंट्स के बीच कि मुझे अगर मैं कॉमर्स पढ़ना चाहती हूँ लेकिन एक्चुअली कॉमर्स में आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बाकी स्ट्रीम्स की तरह, साइंस आर्ट्स की तरह, कॉमर्स में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। कॉमर्स जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी, ऐसे ही समझ सकते हैं कि कॉमर्स जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। और अभी के अगर देखेंगे तो इंडिया में बेस्ट जो इकोनॉमी जो है जो एग्रीकल्चर में टोटली बेस्ट है और बिजनेस में भी, क्योंकि कितने ही परसेंटेज हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखेंगे तो वहाँ भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, कॉमर्स बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा डिमांड है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में। तो अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं या फिर अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं कि आप कॉमर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये कॉमर्स क्या है? द टर्म कॉमर्स यूजुअली मीन्स द सेम एज ट्रेड। ट्रेड ऑल्सो मीन्स बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, फर्म्स एंड कंट्रीज। और कॉमर्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप जितना पढ़ेंगे इसे जान पाएंगे। अभी जो टाइम है इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्स एजुकेशन इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द मोस्ट बर्डिंग एंड पोटेंशियल पर्सन्स। व्हाई यू स्टडी कॉमर्स? कॉमर्स स्ट्रीम ऑफर्स स्टूडेंट्स अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12 दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मेक यू सक्सेसफुल। अभी के टाइम पे ई कॉमर्स टर्म्स भी काफ़ी फेमस है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्राइमरीली इन इंटरनेट। 12th में कॉमर्स लेने के बाद जो सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन होता है वह है बी कॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होता है 12th स्टैंडर्ड में 50 to 60%। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी ये मार्क्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहेंगे तो वहाँ पे 99% भी कट ऑफ होती है, और वही अगर किसी और दूसरे कॉलेज में आप करना चाहते हैं तो 45% में भी हो सकती है। लेकिन जो और भी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टूडेंट स्टडीड कॉमर्स इन क्लास 11 एंड 12 विथ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट। बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आता है चार्टर्ड अकाउंट, CA। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फिनेंशियल असेसमेंट फॉर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। CA में जो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी जो है कि क्लास 12th के बाद आप कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी, बट द कैंडिडेट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड एग्जाम्स एज वेरियस लेवल कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ये एग्ज़ाम जो होती है तीन लेवल होता है, थ्री फेज में होती है। फाउंडेशन एग्जामिनेशन अर्लियर नोन एज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT, इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल, जैसे है इंटरमीडिएट में है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एग्जामिनेशन और है फाइनल एग्जामिनेशन। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है CA के बाद? जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स लेके पढ़ते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं उन्हें जो स्ट्रीम के बारे में या फिर जो करियर ऑप्शंस के बारे में सबसे पहले पता होता है वो है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है कि आप एज अ सीए प्रैक्टिस कर सकते हैं, बी एन इंटरप्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड करियर इन इंडस्ट्री बहुत ही ब्राइट है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, CMA। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स इज़ बेस्ड ऑन फोर नॉलेज पिलर्स, स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देने पड़ेगा ICAI CMA का। इसमें भी 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन कोर्स, लेवल 2 में आता है इंटरमीडिएट कोर्स और लेवल 3 में आता है फाइनल कोर्स। तो ये 3 लेवल क्वालिफाई करने के बाद ही आप एक CMA हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बेसिक एलिजिबिलिटी है 10+2। जो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं वो CMA ही करना चाहते हैं तो वो 12th के बाद ही CMA की प्रिपरेशन करने लगते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद करूँ, ये भी अच्छा है। अगर आप अकाउंटेंसी में अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं, BCom कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर CMA पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी करियर ऑप्शंस मिलेगी। ये जो CA और CMA की कोर्स है इसमें इंटर्नशिप की भी होती है, इंटर्नशिप की ऑप्शंस होती है। ऑप्शंस नहीं बोलूँगी कि इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है, आपको इंटर्नशिप करना ही होता है। और इंटर्नशिप के थ्रू आपका जो भी नॉलेज है, स्किल्स है, वो आप प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं कंपनीज से, इंडस्ट्रीज से। तो बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगी, अगर आप सोच रहे हैं अपना फ्यूचर कॉमर्स के स्ट्रीम में करने का, कॉमर्स लेके पढ़ने का, तो मैं यही बोलूँगी कि इसमें बहुत अच्छी फ्यूचर हो सकती है। लेकिन हाँ, डेडिकेशन चाहिए। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम्स होती है 3 लेवल की CA या CMA में, तो ये एग्ज़ाम्स बहुत आसान नहीं होते। पहला जो है फाउंडेशन कोर्स, वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप पढ़े हैं, आप अगर आपका डेडिकेशन है तो वो आपका इजीली हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट जो आता है इंटरमीडिएट कोर्स, उसमें आपको बहुत ही डेडिकेटेड होना पड़ेगा, एक टाइम मैनेजमेंट करनी होगी, उसके साथ अच्छे से आपको स्टडीज़ करनी पड़ेगी। और भी जो डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं CMA, क्योंकि ये जो है यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, और भी डिटेल्स में जानने के लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये एक कोर्स के बारे में या फिर जो पथ होती है, जो दिशा होती है, मैं उसके बारे में बताऊँगी। लेकिन उसका जो और भी डिटेल्स बहुत बहुत कुछ होता है कि कहाँ पर पढ़ सकते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं उसका लोकल कहाँ पे ये सेंटर मिलेगा कि जहाँ से आपको कोचिंग मिल सकती है या फिर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी जितनी भी गाइडेंस होती है आपको इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल होगी। तो जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, तो उस चीज़ पे आप लोग थोड़ा चर्चा करें और इस चीज़ के बारे में और भी सर्च करें और भी देखें, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है। अगर आप अपना करियर अब्रॉड में करना चाहते हैं, आप फ्यूचर चाहते हैं कि आप बाहर जाएं, तो इसमें भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सब के बारे में भी इंटरनेट से आप सब कुछ डिटेल्स में पता कर सकते हैं। CMA के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और लेकिन आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनल ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिटिंग, टैक्सेशन एडवाइजरी, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, करियर इन अकाउंटिंग एंड फिनेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है BA और BSc, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप BA भी कर सकते हैं, BSc भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे कि अकाउंट की ही सब्जेक्ट होती है 11th 12th में, अकाउंटेंसी के साथ अगर आप इकोनॉमिक्स रख रहे हैं और साथ में मैथ भी है आपका, तो आपका ग्रेजुएशन में अगर आप मेन सब्जेक्ट के साथ, ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिक्स रखते हैं, तो आपका वो डिग्री साइंस में होती है। किसी किसी कॉलेज में साइंस में डिग्री देती है, किसी किसी आर्ट्स में, लेकिन ये 3 ईयर्स डिग्री कोर्स है। और परसेंटेज जो है 10+2 लेवल की मार्क्स कॉलेज टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स इन कॉरपोरेट सेक्टर्स, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, और भी बहुत कुछ। आफ्टर स्टडिंग इकोनॉमिक्स आप MBA भी में भी एडमिशन कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगी वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA। अभी तो बहुत सारे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफर करती है ये कोर्स।
ये भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री देती है अंडर ग्रेजुएट लेवल की, 3 ईयर्स डिग्री कोर्स दैट प्रोवाइड्स थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू एन एस्पिरेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो एग्ज़ाम आपको देना पड़ सकता है DUJAT, AIMA, UGAT, JMET और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने पे एग्ज़ाम लेती है। फिर आता है LLB, 5 ईयर्स कोर्स है LLB, और ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो 3 ईयर्स। और एलिजिबिलिटी BA इन LLB और BSc LLB जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी है 45% मार्क्स इन HS, इंट्रेंस एग्ज़ाम कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा ये भी, जैसे कि अपने अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी कॉलेज अपना अपना एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। अभी तक तो हला ऑल इंडिया लेवल के ऐसे एग्ज़ाम नहीं है। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी CS, कंपनी सेक्रेटरी के लिए एलिजिबिलिटी होती है क्लास 12 और ग्रेजुएशन, इसका ड्यूरेशन है मिनिमम 1 ईयर। कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई के बाद आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है वो है लीगल एडवाइजर, कॉरपोरेट पॉलिसी मेकर, कॉरपोरेट प्लानर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट्सेट्रा। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी ये नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है और डिमांडेबल भी है क्योंकि कंपनी तो बहुत सारी होती है और हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट होती ही है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस कोर्स के बारे में जानेंगे तो आपकी फ्यूचर यानी कि आप आगे जाके कंपनी सेक्रेटरी बनके अपनी ड्रीम भी पूरी कर सकते हैं और उसमें अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये आप अगर चाहें तो 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी, जैसे कि एक BA इन इकोनॉमिक्स और BSc इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे BCOM में या फिर BSc इकोनॉमिक्स में, तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफाइड फिनेंशियल प्लानर CFA, ड्यूरेशन है 6 मंथ टू 2 ईयर्स और एलिजिबिलिटी 10+2। टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज है पब्लिक सर्विस कमीशन, रेलवे, लाइफ इंश्योरेंस, RBI बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड बैंक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड मेनी मोर। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए और भी कोर्सेज के बारे में जानने के लिए विद्यान पाठशाला की वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएँ।